नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। टी20 विश्व कप में टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के लिए कोच वकार यूनुस की सार्वजनिक माफी से असंतुष्ट पूर्व कप्तान रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि ये माफी काफी देर से मांगी गई और ना काफी है। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि वकार ने जिस तरह मीडिया के सामने माफी मांगी उससे वो काफी आहत है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष डेव कैमरून ने सभी अनिश्चितताओं को दूर करते हुए सुनिश्चित किया कि इंडियन क्रिकेट टीम 4 टेस्ट मैचों के लिए वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। कैमरून ने कहा, भारत के वेस्टइंडीज दौरे की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये सीरीज जुलाई अगस्त में ही खेली जाएगी। अभी मैचों के वेन्यू का फैसला नहीं हुआ है, जैसे ही इसके बारे में अंतिम फैसला कर लेंगे तभी सीरीज की तारीख भी सुनिश्चित हो जाएगी। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने कहा है कि भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड 2020 में गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उनकी टीम की योजना के केंद्र में रहेंगे। विराट ने ग्रुप चरण मुकाबलों में एक के बाद एक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने बलबूते पर अपनी टीम को जीत दिलाई थी और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बार भारतीय बल्लेबाजी उनके इर्द गिर्द ही रहेगी। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। पहले वेस्टइंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल और अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने विराट कोहली की तारीफ की है। टी20 की ताजा रैंकिंग में टॉप पर आए विराट की तारीफ में विलियमसन ने कहा कि कोहली जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में बैटिंग कर रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच जितना अच्छा तालमेल मैदान में नजर आता है, उनके संबंध मैदान के बाहर भी उतने ही अच्छे हैं। इसका उदाहरण उपकप्तान विराट और धोनी की बेटी जीवा की सेल्फी से देखने को मिलता है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट द्वारा 13 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस फोटो को 1,89,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इस पर 5,000 से ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।